हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैंने नहा लिया है क्योंकि आज मम्मी नहीं है और मुझे करनी है पूजा वगैरह। मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है, अभी मैं करूँगी पूजा। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। मैं धीरे से बात कर रही हूँ क्योंकि चिकू सो रहे हैं अभी, और मैंने मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग मेरे रूम से ही कर दी है क्योंकि अभी जस्ट मैं यानी रेडी हुई हूँ। और सबसे मेन चीज़, वेलकम टू माय 101 व्लॉग नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यार, आज 101 मेरे व्लॉग कंटिन्यू। मंदिर की पूजा हो चुकी है और अब हम चलते हैं बाहर तुलसी माता की पूजा करने। तो मैं आपको रख देती हूँ क्योंकि मुझे भागते हुए पूजा करनी है इसलिए। पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं तिलक भी लगा, आज तो लगाया है, अक्सर भूल जाती हूँ पर आज याद से लगाया। और पूजा करके सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मज़ा ही आ गया। ब्रेकफास्ट का काम तो हो चुका है कंप्लीट और अभी कर रहे हैं हम मिट्टू का पिंजरा साफ। तो देखिए क्या हाल कर दिया है इसने पिंजरे का। काटने क्यों आ रहा है, काटने क्यों आ रहा है। इनका पिंजरा तो कर दिया है मैंने साफ और अभी जैसे ही इनकी प्लेट्स वगैरह क्लीन हो जाती हैं वैसे हम इनका खाना वगैरह इनको परोस देंगे। इनका ब्रेकफास्ट तो हो गया है, लगभग ब्रेकफास्ट इनको करवा दिया है, अब लंच दे देंगे, पूरा दिन चलता रहेगा इनका लंच। अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर और क्योंकि पूजा वगैरह सब मेरी हो गई और घर का काम भी काफ़ी मैंने सारा निपट लिया है, सिर्फ बनाना है खाना और सब्जियां वगैरह लेके आऊँगी साथ में। तो एक बार जाके आ जाती हूँ मंदिर, फिर बाकी के काम बाद में। आ गई हूँ घर पर और अभी बनाऊंगी लंच और लंच की कर देती हूँ एक बार तैयारी, अब क्या बनाना है सब डिसाइड कर देती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ कि लंच में क्या बना रही हूँ। अभी डिसाइड हो गया है कि खाने में क्या बन रहा है। खाने में बन रहा है तोरी की सब्ज़ी, चावल और रोटी, क्योंकि चिकू के है डाइट में आज सब्ज़ी और चावल, तो तोरी की सब्ज़ी परफेक्ट रहेगी और एक ही सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। और साथ साथ में हम इंजॉय कर रहे हैं अमूल कूल। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि ना अमूल कूल पिया जाए। लंच वगैरह सब हो गया है और मैंने मिट्टू राजा को दे दिया खाना और काफ़ी कचरा कर रहे हैं आजकल, क्या पता है इनको क्या हो गया है और बोल भी नहीं रहे हैं लगभग, इनके बोलने का अब टाइम हो गया है। तो मैं इनको छोड़ के जाती हूँ, फैन वैन वगैरह सब चालू रखती हूँ ताकि इनको गर्मी ना लगे और मैं चली जाती हूँ शॉप पर। शॉप पर हैं काम, काम तो रहते ही है, तो चलिए शॉप पर। आ गई हूँ शॉप पर, आज मेरे साथ ऐसी खतरनाक चीज़ हो गई, खतरनाक हमेशा मैं ऐसे ही बोलती हूँ ना, पर मेरे टोनी है। तो आज क्या हुआ, मैंने मेरा फ़ोन चार्ज रखा था आधे घंटे से और मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट, इतनी बड़ी होशियार कि मैंने स्विच ही ऑन नहीं किया था और फिर चेक किया मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हो गया और फिर मैं सोची थी चार्जर ख़राब हो गया, पर देखा नहीं मैंने स्विच ऑन नहीं किया, क्या पता क्या है। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आगे शॉप पर, मेरे को कुछ काम है वो निपटा देती हूँ। आज कुछ समय मैंने मेरे लिए निकाला है, अभी तक तो मैं बिज़ी थी। अभी बज रही हैं 5:30 और मैं कर रही हूँ मेरे बालों का ट्रीटमेंट जो कि है एब्सोल्यूट रिपेयर, क्योंकि मैं मुझे लग रहा है कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस आ गई है तो उसके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। बालों के लिए इतना अच्छा है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मंथ में एक बार अब मैं ये करने का कम्प्लीटली प्लान कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, एक बार हम करके आ जाते हैं हेयर वॉश। तो हेयर वॉश होगा पहले इस शैम्पू से, तो शैम्पू ज्योति लेके चली गई है, तो मैं एक बार कम्प्लीटली मेरे हेयर वॉश करवा देती हूँ और बालों से जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। गंदगी तो क्या होगी पर एक बार वॉश हो जाएंगे तो सही रहेगा। और हम बालों का सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसमें ना कोई स्टीम मिलेगी और ना ही
कोई भी मसाज, क्योंकि बालों का जो प्रोटीन है वो हम बालों को दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं बालों को हम। अभी मेरे बाल कम्प्लीटली वॉश हो गए हैं और अभी इसको ओनली फॉर टॉवल ड्राई कर रहे हैं हम, और अब लगेगा मेरे बालों में पावर मिक्स। पावर मिक्स मेरे बालों की जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से एब्सोल्यूट रिपेयर का लगेगा, और उसके साथ बेस मिक्स होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे मिक्स करना है। अभी मैंने ये दोनों, ये तो एब्सोल्यूट रिपेयर का पावर मिक्स है और ये बेस है, कोई भी प्रॉब्लम हो हम किसी कोई भी पावर मिक्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ये बेस मिक्स होगा, और ये दोनों लिक्विड फॉर्म में हैं तो मैंने ये इसमें निकाल दिए हैं दोनों बराबर अमाउंट में 1:1 में, और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी, यानी अच्छे से मिक्स कर दूँगी जब तक ये क्रीम फॉर्म में ना आ जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए क्योंकि ये काफ़ी लिक्विड था। और ये बालों का प्रोटीन है, इसमें कोई हार्म केमिकल नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बालों से ही हमारे हाथों से ही मेरे बालों में अप्लाई करेंगे। और ये थोड़ा सा थिक क्वांटिटी में आ गया, ऐसी कंसिस्टेंसी थिक होने लगी अब धीरे धीरे। और ये सब चीज़ें हमारे बालों का यानी प्रोटीन है। कैरेटिन में भी कितने जनों को लगता है कि बाल परमानेंट स्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये जैसे जैसे वॉश होते हैं वैसे वैसे बालों से स्ट्रेटनिंग है वो हट जाती है, यानी वो सिर्फ ब्लो ड्राई होते हैं इसलिए तुरंत हमको स्ट्रेट लगते हैं, बाकी जो कैरेटिन है वो भी बालों का ट्रीटमेंट ही है, बालों का प्रोटीन है। बाकी जो लोगों की सोच है कि स्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं, ये सारे भी बालों के प्रोटीन्स ही हैं, जो हमारे बालों को ज़रूरत है वो चीज़ नहीं मिलती, इसलिए हमारे बालों में काफ़ी बार ब्रैकेजेस आते हैं, डैमेज होते हैं, इसके बाद फ्रिजीनेस आती है, तो ये सब चीज़ें हमारे बालों की नीड होती है, तो ये सारा प्रोटीन है। मेरे कैमरे पे मक्खी आ रही है बेचारे पे, साफ किया है तो भी बेचारे को ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी मेरे बालों की अच्छे से पार्टिंग होगी, और एक एक पार्टिंग में ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्काल्प पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बालों का प्रोटीन है, इसलिए तो ये धीरे धीरे लग के मेरे एक एक पार्टीशन पर लगेगा, और अच्छे से इसको इमल्सीफाई करना होगा ताकि अच्छा मेरे बालों में अच्छे से पेडिट्रेट हो जाए। अभी मेरे बालों को ज्योति कर रही है टेंगल फ्री, ताकि एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके अंदर जो भी हम यानी ब्लो यूज़ करेंगे वो कोल्ड ब्लो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने बालों को दिया है प्रोटीन, तो बालों को हम वो जो उसका प्रोटीन है उसको उसका काम करने देंगे, कुल मिला के हमारा कहना ये है। हमारे बालों में पावर मिक्स है वो लग चुका है, और अब हम इसी के ऊपर देरी ना करते हुए मास्क लगाएंगे। हालांकि मुझे एक ही प्रॉब्लम है फ्रिजीनेस की, तो वो मैं फ्रिजीनेस के लिए ही एब्सोल्यूट रिपेयर की ही पूरी सीरीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं डायरेक्ट इसी के ऊपर ये मास्क अप्लाई कर दूँगी, उसको 10 मिनट्स रहने दूँगी, एंड मैं वॉश कर दूँगी, शैम्पू से वॉश नहीं करूँगी, ओनली फॉर रिंस करूँगी। तो फटाफट बालों में ये भी अप्लाई करवा देते हैं, इसको भी जैसे हम स्पा वगैरह की क्रीम लगाते हैं वैसे ही लगाना है हमारे बालों में, पर ये खुद करने का ट्राई मत कीजिए, ये स्पेशली सलॉन्स वगैरह में ही सही रहेगा, क्योंकि अगर ये स्काल्प पे लग गया, स्काल्प में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन है वो लेंथ्स के लिए है, स्काल्प के लिए नहीं है, स्काल्प के लिए अलग प्रोटीन्स आते हैं। पूरे बालों में अच्छे से मास्क लग गया है, और अब इसको ज्योति अच्छे से इमल्सिफिकेशन कर रही है ताकि मेरे बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। बस इसको स्काल्प में नहीं लगने देना है, 10 मिनट इसको ऐसे ही रेस्ट करने देंगे और फिर बालों को रिंस कर देंगे। रिंस करते हुए आपसे मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं मेरे बालों में जब से मास्क लगाया तब से, तो चलिए बालों को कर देते हैं रिंस। हाँ 6:30 बजते मंदिर हो गए, बाकी 7:30 तक भी नहीं होता था। बालों को रिंस कर दिया है, अब कर देंगे टॉवल ड्राई, और एकदम यानी कोल्ड ब्लो पर बालों को पूरा कम्प्लीटली ड्राई कर देंगे, फिर आपको बताएंगे हमारा फाइनल रिजल्ट। मेरे बाल मैंने ओनली फॉर ड्राई किए हैं, ब्लो ड्राई नहीं किए, और मुझे इसमें ही बालों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड तो कम्प्लीटली यानी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है इसने, बहुत ही अच्छा, यानी अनएक्सपेक्टेड था, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि इतना अच्छा मेरे बालों पर रिजल्ट दिखेगा, पर आई जस्ट लव इट। और आपको कैसे लग रहे हैं मेरे बाल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ये पूरा लाइव आपके सामने ही किया है,
और मेरे बालों की कंडीशन आप पहले देख सकते हो, और मैंने ब्लो ड्राई नहीं किया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बिल्कुल भी ब्लो ड्राई नहीं किया है। मुझे इसका रिज़ल्ट लगा है बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा, और मैंने जैसे कि ये एब्सोल्यूट रिपेयर की पूरी कंप्लीट सीरीज यूज़ की थी, और क्या रिज़ल्ट है, यानी वास्तव में मज़ा आ गया मुझे रिज़ल्ट देख के, तो काफ़ी मज़ा आ गया। और ये मैं अब हर महीने में एक बार करवाने ही वाली हूँ, इसलिए एक नंबर रिज़ल्ट लगा मुझे इसका। घर पर जाने का टाइम आ गया है, 7 बज गई हैं, पर बारिश चालू हो गई है और ज्योति भी यहाँ पे अटक गई है, मैं भी अटक गई हूँ क्योंकि मुझे भी बाइक पे ही जाना है। तो अब देखते हैं क्या है, और बाहर जाके बारिश दिखाते हैं आपको कैसी हो रही है। बहुत ही ज़ोरों से हो रही है बारिश और हम सब यहाँ पर अटक गए हैं, सब लेट हो रहे हैं घर के लिए, और सब पेट के लिए लेट हो रहे हैं क्योंकि सबको लग गई है भूख समय के साथ। अभी लगभग बज गई है, कितनी बजी है, 7:24, अभी 7:30 हो गई है। हम लगभग आधे घंटे से बाहर वेट कर रहे हैं, पर बारिश कम होने का कोई नाम नहीं ले रही है। और चुप नहीं रह सकते, मैं ब्लॉग कर रही हूँ, चुप नहीं रह सकते। हाँ, तो आधे घंटे से हम वेट कर रहे हैं बारिश कम हो, पर एक जरा भी बारिश कम नहीं हो रही है। तो फाइनली अब चिकू आ गए हैं कार लेकर, तो हम सबको अपनी अपनी जगह पर ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, टार्जन कार लेके आए। बहुत ज़ोरदार बारिश थी आज, आते आते घर पे लगभग 8 बज चुकी हैं, और अभी आ चुके हैं घर पे, और अब जल्दी से बनाएंगे खाना और फिर खाएंगे क्योंकि भूख भी काफ़ी लग गई है। देख सकते हो बाहर की हालत, और नीचे इतना पानी फैला हुआ है। चलिए अब बनाते हैं खाना और घर पे चलते हैं। चलो घर पे तो आ गए थक हार के, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और सुबह के पड़े थे ठंडे चावल, तो इसकी बना दूंगी मैं टिक्कियाँ। चलिए आपको भी बताती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसे DIYs करती रहती हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी पसंद बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है हमारे ठंडे चावल, इसमें डाल दूंगी मैं चावल का आटा जो कि पीस के कप से ही पड़ा हुआ है, इसको अच्छा ही क्रिस्पी टेस्ट देगा। और इसमें मैं थोड़े से चावल भी डाल दूँगी, चावल क्या, थोड़े से पोहे भी क्रम करके डाल दूंगी ताकि इससे क्रंची नेस आए। अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है, सब कुछ कर दिया, पर ब्लास्ट में रह गया। अभी मेरे को याद है मैंने प्याज नहीं लिया, टमाटर तो मुझे नहीं लेना है, प्याज और आलू देखते हैं होता है तो लगे। दिखने में तो इतनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बस खाने में भी बढ़िया हो। सुबह से थके हारे घर आए हैं, ये बन रही है टिक्कियाँ। अब मुझे तो इनसे कुछ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मैंने भी कम मेहनत की है, प्लस मेहनत भी कम करी है, और चावल ही है, बाकी तो आलू डाला नहीं अंदर। अगर आलू अंदर डालती तो अच्छा बन सकता था, पर अभी मुझे सिर्फ पेट भरना है, ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझे इससे अच्छी टिक्की आज तक आलू की भी नहीं लगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। क्रंची में भी एक नंबर बन गया, क्या दिख रही है, यानी आपके मुंह में भी पानी ज़रूर आ रहा होगा। आज का व्लॉग अगर यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आज काफ़ी व्लॉग बड़ा बन गया है क्योंकि मैंने मेरे हेयर का ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर किया है, और हेयर मेरे हो गए काफ़ी अच्छे, मस्त हो गए अब तो, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। यही बताया मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया, मुझे टाइम ही नहीं था और मैंने इतना सोचा भी नहीं, इसलिए ठीक है। चलो मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में, और शॉप करो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कर देना डाउनलोड। ओके बाय।